हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सीरीज के तहत आप तक पहुंच रहा है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पैनिक अटैक के बारे में, क्या होता है पैनिक अटैक, क्या है लक्षण पैनिक अटैक के और क्या है इलाज पैनिक अटैक का। पैनिक अटैक एक तीव्र भय और एक घबराहट का दौरा जिसे पैनिक अटैक कहा जाता है। कई बार अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और एक्सपेक्टेड सिचुएशन के दौरान इंसान को एक तीव्र भय और एक घबराहट का दौरा महसूस होता है। उस दौरे को देखकर ऐसे लगता है कि ये हार्ट अटैक का जैसे दौरा हो, लेकिन ये हार्ट अटैक का वास्तव में दौरा नहीं होता है। ये फाल्स हार्ट अटैक जैसा लगता है और फाल्स ही होता है। और ज़्यादातर जो पैनिक अटैक के पेशेंट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी आईसीयू में भर्ती करवा दिया जाता है। आज बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो फाल्स हार्ट अटैक के कारण आईसीयू में भर्ती है, वो पैनिक अटैक के मरीज हैं। ये पैनिक अटैक का दौरा, ये अटैक कुछ मिनटों से लेकर के 10 या 20 मिनट तक हो सकता है। DSM-5 जिसमें मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइजेशन किया गया है, सभी के विषय में डिटेल से बताया गया है, उसमें बताया गया है कि पैनिक अटैक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तहत आता है और ये पैनिक अटैक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक को क्लासीफाई एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तहत किया गया है। तो पैनिक अटैक ज़्यादातर घर से बाहर होता है और ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान अकेला महसूस करता हो, जैसे पुल और कोई भी डरावनी सिचुएशन, कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड सिचुएशन जहां पर वो ऐसे एज महसूस कर रहा हो, खुद को असहाय महसूस कर रहा हो, वहां पर पैनिक अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई जिसके ऊपर काम का बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और वो उस बर्डन को झेल नहीं पाता है, उसका बॉस उसे कहता है कि आपके पास सिर्फ एक दिन है और आपको काम सारा पेंडिंग है वो निपटाना है, अगर आपका काम पेंडिंग नहीं निपटा तो आपकी जॉब पर बन आ सकती है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्सन स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं उन्हें पैनिक अटैक पड़ जाता है। पैनिक अटैक में एक तीव्र भय महसूस होता है, एंग्जाइटी फील होती है, एक सनसनी सी फैल जाती है शरीर में और ये पैनिक अटैक उस सिचुएशन की गंभीरता और जिसकी गंभीरता उस पर्सन ने अपने माइंड में बना ली थी उन लोगों को ज़्यादा आता है। और पैनिक अटैक का खतरा जो लोग जो जाने का डर अपने ऊपर हावी किए रहते हैं और जिन्हें इंटरव्यू या एग्ज़ाम में फेल होने का डर रहता है, उन लोगों को नॉर्मल इंसान की तुलना में ज़्यादा पैनिक अटैक के खतरे रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पैनिक अटैक के लक्षण क्या है। पैनिक अटैक के अंदर एकदम से छाती या सीने में तीव्र दर्द महसूस होता है, जैसे दिल फड़फड़ा रहा हो, दिल निकल रहा हो, बस उसे लगता है कि बस अब वो बचने वाला नहीं है, मौत का डर मंडराने लग जाता है, पेशेंट्स गिर भी जाता है। कई बार गर्मी है तो उसे सर्दी महसूस होने लग सकती है, सर्दी का मौसम है, गर्मी महसूस होगी और ऐसे में पेशेंट्स को पसीना बहुत आता है, पसीना आ जाता है, उसका मुंह सूख जाता है और इसके अन्य लक्षण में उसको वोमिटिंग की समस्या भी हो सकती है, पेट में दर्द, सिर में दर्द की भी कुछ केसेस में देखने को आए हैं कि दर्द महसूस होता है। अन्य लक्षण हैं धड़कन बढ़ जाना, दिल का पेल्पिटेशन करना, ऐसे में दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है, सांस अनबैलेंस हो जाते हैं, सांस की दर छोटी हो जाती है और एक दर्द महसूस होता है सीने और छाती में, फीलिंग चौक हो जाती है, एक खतरा सा महसूस होने लग जाता है, बस सब कुछ जैसे सुन सा हो गया हो, उसे लगता है कि अब वो बचने वाला नहीं है, अब उसके प्राण निकलने वाले हैं, प्राण पखेरू उड़ने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है। आइए अब जान लेते हैं कि पैनिक अटैक के कारण क्या है।
जिन बच्चों का सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज होता है बचपन में, उन बच्चों को आगे चल करके जीवन में पैनिक अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पर्सन की बजाय। और जो इंसान स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको भी पैनिक अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं। जो इंसान घर में ओवर प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं, रियलिटी में सिचुएशन बहुत कम फेस करते हैं और मन के अंदर एक मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, एक डर की, एक चिंता की, तो ऐसे पर्सन को भी नॉर्मल इंसानों की बजाय ज़्यादा खतरे महसूस होते हैं पैनिक अटैक के। आइए अब जानते हैं कि पैनिक अटैक का इलाज क्या है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के द्वारा जहां मानसिक रोगों का इलाज आसान और सस्ता तो होता ही जा रहा है, वहां पर पैनिक अटैक का भी इलाज है। सबसे पहले पैनिक अटैक का इलाज करने से पहले ये तय कर लेना जरूरी है कि शरीर में कोई फिजिकल समस्या नहीं है, सभी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, कोई भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, किसी भी प्रकार की हार्ट के अंदर वेन्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है, हार्ट उस बंदे का बिल्कुल ठीक है, उस पर्सन का हार्ट एकदम सही से वर्क कर रहा है, उसे फिजिकली तौर पर नॉर्मल घोषित कर दिया जाता है, तब बारी आती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, साइकोथेरेपी की, जिसके अंदर सबसे पहले सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उसका उपचार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी है, द पावर ऑफ नाउ वर्तमान की शक्ति को महसूस करना सिखाया जाता है, उसकी चिंताओं और परेशानियों को खत्म करने के लिए वर्तमान में आना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी, जो अचेतन में उसके मन में जो डर बैठे हुए हैं, मौत का डर जो बैठा हुआ है, उसे ओवरकम किया जाता है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता, जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्णा ने काउंसलिंग दी, साइकोथेरेपी दी, वो काउंसलिंग साइकोथेरेपी आम इंसान को भी मिले तो उसके अंदर भी बहुत सारे खतरे, डर जो बेवजह है, फॉल्स बिलीफ के कारण हैं, सिर्फ एक भ्रम मात्र है, वो दूर हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता एक अमेजिंग साइकोथेरेपी के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है, उसका हम फायदा ले सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे पैनिक अटैक के बारे में बताना। अगर आप मुझे अपनी साइकोलॉजिकल मानसिक परेशानियों के बारे में ऑनलाइन बताते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं, तो उन परेशानियों का हल करना, उसके लिए आपको थेरेपी के टिप्स बताना मेरी जिम्मेवारी है। आप इन वीडियोस को अपने आसपास के मित्र, दोस्त, भाई, बंधुओं तक एक शेयर जरूर कर दें, ताकि इन वीडियो के द्वारा जो वास्तव में साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट के हकदार हैं, उन्हें खाम खा हार्ट पेशेंट घोषित ना कर दिया जाए और उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो जिंदगी को एक डर के साए से निकाल करके खुशी के माहौल में जीने लग जाएं। आप इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।